क्राइम ब्रांच की कार्रवाई। जीजासानी बने गांजा तस्कर, 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर बरामद किया 26 किलो 500 ग्राम गांजा, कीमत 5,30,000 रुपए। आरोपीगण गांजा उड़ीसा से लाकर भोपाल में फुटकर दामों में करते हैं सप्लाई। आरोपीगण गिरोह बनाकर करते हैं गांजा तस्करी। आरोपियों से बरामद किया 26 किलो 500 ग्राम गांजा। आरोपी विशाखापट्टनम जेल में हो चुका है बंद। दोनों महिला आरोपी बनी थी जेल में मित्र। आरोपियों के विरुद्ध अपराध धारा 8/20 NDPS एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। शहर में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु पुलिस आयुक्त भोपाल हरि नारायण चारी मिश्र एवं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त भोपाल पंकज श्रीवास्तव द्वारा आरोपियों की धरपकड़ पर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। परंतु उनकी सबसे बड़ी प्रोफाइल है कि वो आदतन अपराधी हैं, पहले भी NTPC में बंद हो चुके हैं और जघन्य अपराध से हत्या के और मामलों में ये लोग बंद हो चुके हैं। सर, इसको बताया जा रहा है जीजा साले भी संलिप्त हैं। हाँ बिल्कुल, ये लोग एक्चुअली जब एक व्यापार में उतरता है, जो नशे के कारोबार में उतरता है, तो काफ़ी बड़ा इसमें बेनिफिट होता है। एक ही खेप में आपको 20 से 25 हज़ार रुपये की फ़ायदा हो जाता है और आपको 2 या 3 दिन लगते हैं। तो इसलिए और अपने रिश्तेदारों को भी, क्योंकि बहुत करीबी आदमी को ये व्यक्ति शामिल करता, ताकि बाहर हमारी सूचनाएं, बाहर इनकी सूचनाएं बाहर ना जाएं, तो इसी को लेकर आपसी रिश्तों में ही ये लोग अपना डीलिंग करते हैं। क्योंकि माल देना भी एक रिस्क का काम है, बड़ा कीमती माल होता है, पैसा लेना भी बड़ा कीमती काम होता है। तो काफ़ी करीबी और रिश्तों में और विश्वास के लोगों के बीच ही लोग ऐसा धंधा करते हैं। कहाँ से इनको पकड़ा है? भोपाल में रेलवे स्टेशन के पास जो पटरी है वहाँ पर ये लोग अपने कस्टमर का वेट कर रहे थे। उसके बाद जब इनकी खरीदी हुई, आपस में लेन देन हुआ, उस दौरान पुलिस ने पकड़ा। ट्रेन से लाते हैं सर? ट्रेन से लाते हैं। सर, गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, कितना गांजा है, कितने आरोपी हैं? भोपाल कमिश्नरेट की जो क्राइम ब्रांच है उसके द्वारा लगातार इस साल काफ़ी कई बड़ी मात्रा में मादक पदार्थों की बरामद की गई। इसमें चरस और गांजा प्रमुखता से पकड़ा गया और काफ़ी बड़ी मात्रा में पकड़ा गया, जो खपत से पहले पेडलर्स को सप्लाई चेन से पहले बीच में ब्रेक करते हुए पकड़ा गया। अभी भी लगभग 26 किलो के करीब गांजा पकड़ा। इसमें 6 आरोपी हैं, 2 महिलाएं और 4 पुरुष हैं। ये भोपाल और भोपाल जिले से बाहर के पूरे प्रदेश के आरोपी हैं। बड़ी खासियत यह है कि इसमें 2 महिलाएं जो पकड़ी गई हैं, एक महिला जो है वो नागपुर में, वहाँ पर RPF के में भी इसके खिलाफ मुकदमा है। दूसरी महिला जो नरवदी बाई है, उसके 302 का अपराध है, वो बांटे उसमें है। इसमें एक और आरोपी है जो कि डिफरेंट जगह इसके विशाखापट्टनम में अपराध है, भोपाल में और अन्य जगह भी अपराध है। तो काफ़ी बड़े आपराधिक ग्रोह को पकड़ा गया है। और ये सबसे बड़ी बात, इतने आदतन है कि एक व्यक्ति के खिलाफ 3-3 बार NDPS के मुकदमे कायम होने के बावजूद भी ये लोग इस अपराध में शामिल रहे हैं। इस बार इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए, क्योंकि इस बार जो कमर्शियल क्वान्टिटी जब्त हुई, इसमें काफ़ी दिनों इनको जेल में रहना पड़ सकता है, तो उम्मीद है कि इनके उस पर नकेल लगेगी। जो इनका जो तरीका है, वो ये लोग उड़ीसा से माल लाते हैं, जो पूछताछ हमारे सामने आया है। ये लोग ट्रेन के पहले आसपास पटरी के आसपास उतर जाते हैं, अपने कस्टमर का वेट करते हैं और उनको बड़ी जो ऊंची कीमतों पर ये माल बेचते हैं भोपाल और भोपाल से बाहर। इसमें कुछ माल विदिशा सीहोर भी जाने वाला, जिसको हमने पहले पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर उनको रिमांड पर लिया है। पूछताछ की जा रही है, अपराध रिकॉर्ड तो मिले ही हैं। इनके अलावा अन्य वारदातों में, अन्य सप्लाई चेन में इनकी संलिप्तता की जांच की जा रही है। इसमें प्रोफाइल क्या है?